आज हम बात करेंगे कि कैसे वेबसाइट बनाएं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आपको पता है कि हमारा बिजनेस है, उसके लिए एक वेबसाइट हमें क्रिएट करनी है, तो वर्डप्रेस का यूज़ करके वेबसाइट को फास्ट कैसे बनाएंगे। इस सेक्शन में जो होस्टिंग, डोमेन और उनको इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने डोमेन और होस्टिंग ले लिया है और वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद से स्क्रैच से वेबसाइट को फास्ट तरीके से क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी गलतियां होंगी, जो भी है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड रहेगा ये सेशन, और इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं कि आप किस तरीके से वेबसाइट के पेजेस प्लान करेंगे। अगर आपने वेबसाइट प्लान की, जैसे इस केस के लिए मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ जिसका नाम है politics.com, ये डोमेन है, ये ऑलरेडी डोमेन परचेज्ड है, politics.com, politics.in, सॉरी आई फॉरगॉट, ये है आपका .in, और यहाँ पे ये डोमेन ऑलरेडी परचेज्ड है और होस्टिंग भी ले रखी है इसके लिए, और यहाँ पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। वर्डप्रेस में कुछ बेसिक पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी, इसकी वजह से पेजेस हैं। ये जो पेज, पोस्ट और ये जो डैशबोर्ड है इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ये एक नेक्स्ट वीडियो है, बना के उसको मैं लिंक कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। अभी ये पेजेस क्रिएटेड हैं, प्लान्ड नहीं है प्रॉपर, बट हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारा इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री के हिसाब से हम आगे चलते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं और देखते हैं हमें किस तरह के पेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, SEO या किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो सबसे पहले मैं गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर, तो हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे हम कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेम्पलेट्स वैसे हैं, लेकिन मैं अभी आपको टेम्पलेट्स के थ्रू नहीं, ब्लैंक बताता हूँ किस तरीके से करेंगे, कि कीवर्ड रिसर्च, पेज प्लानिंग, कंप्टीटर्स, ये सारी हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखेंगे। तो वेबसाइट प्लानिंग, देन इसमें टैब्स हम डिसाइड कर लेंगे कि जैसे कि हमें पेजेस क्या रखने हैं, है ना, पेजेस, कंप्टीटर्स, ये एक ही सेक्शन में हम यहीं पे बेसिक प्लानिंग करते हैं। रिसर्च, वी कैन कॉल इट रिसर्च, ओके। रिसर्च सेक्शन में हम सबसे पहले कंप्टीटर्स को इंक्लूड करेंगे। कंप्टीटर्स कौन कौन है हमारे, कंप्टीटर्स जब आपके मिल जाए, आपको पता चल जाए कि ये कंप्टीटर्स हैं, तो हमें वहाँ से एक कंटेंट का आइडिया लगता है, कीवर्ड का आइडिया लगता है। फिर जब कीवर्ड हमारे कंप्यूटर्स हो गए, तो देन वी विल प्लान पेजेस अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स रिसर्च, कंप्यूटिव रिसर्च के बाद जो भी निकलेगा हमारे पास, पेजेस प्लान करेंगे। फिर पेजेस के अकॉर्डिंग हम कीवर्ड्स के बारे में प्लान करेंगे। कीवर्ड्स थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस रहेगा, बट एक बेस कीवर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, पर पेजेस का बेस कीवर्ड क्या हम रखने वाले हैं जिसपे हम रैंक कराना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेक्शंस, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्यूटर्स के सामने पेज आएगा, बट हम कंप्यूटर्स की प्लानिंग के लिए एक जगह कंप्यूटर, क्या क्या पेज प्लान करने हैं वो रख लेंगे। इसी को अगर मैं थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड वे में जाऊं, तो हम इसको माइंड मैप का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स एंड देन पेजेस एंड देन कीवर्ड्स रिसर्च। अब कंप्यूटर्स की जब बारी आती है, तो हमारा मेन बिजनेस क्या है, किस लिए हम इसे प्लान कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी है, मैंने पहले इस पे को डेवलप कर रखा है, और ये हमारा था कि पॉलिटिकल कैंपेन को प्रमोट करने के लिए जब भी कोई गूगल पे ढूंढे, पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी, उस तरीके से इसे प्लान करना था और किया था, और रैंकिंग भी आई, कुछ लीड्स भी आई। तो ये बीच में थोड़ा सा गिव अप हो गया, हैक हो गया डोमेन, तो इसलिए वो डाउन करना पड़ा। तो अब हम दोबारा से हम सेम उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेटर क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट। तो हमारा जो मेन कीवर्ड है, जो मेन हमारा जो होम पेज होना चाहिए, जो कंप्यूटर्स हमें मिलेंगे, वो इस कीवर्ड पे मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो वर्ड है ये हमारी बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब आप इसको सर्च करोगे, फिर यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दीज आर द डायरेक्ट कंप्यूटर्स, इनको एक्सप्लोर करिए, लोकल में जो है उनको भी देखिए, वेबसाइट्स जाके, ओके, एंड जनाधार, ओके, सी, ये इनका भी यही काम है,
कि पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट करते हैं, बोट गुरु, ये शायद डाउन हो गई है वेबसाइट या फिर कुछ प्रॉब्लम है इसमें, एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशंस, ये भी देखिए, डिजिटल पॉलिटिकल पीआर, और ये मल्टीपल डोमेन में काम करते हैं, ओनली इलेक्शन मैनेजमेंट का काम नहीं है इनका, मल्टीपल डोमेन में काम है। हमें ऐसे चाहिए जो एग्जैक्टली सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंसल्टिंग, पॉलिटिकल एडवाइजरी, सी ओनली पॉलिटिक्स में काम करते हैं ये, तो हमें वो चाहिए। उससे हमें एक अच्छा क्लियर पिक्चर होगा कि क्या क्या सर्विसेज हम दे सकते हैं, क्या क्या मार्केट में चलता है, कौन कौन सी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तब भी, अपने लिए बना रहे हो तब भी, देखिए उन्होंने काम कर रखा है अलग अलग पार्टीज के लिए, रीजनल एंड नेशनल पार्टीज के लिए, और दिस वन इज गुड, ओके। एंड प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या काम किया है, क्या क्या पेजेस बने हुए हैं, और किसी भी वेबसाइट के सारे पेजेस को देखने के लिए आप गूगल सर्च ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, साइट कॉलन एंड डोमेन, तो आप देखेंगे टोटल पेजेस जो बने हुए हैं वो आ गए, तो आप देखते हैं, देख सकते हैं 30 रिजल्ट्स हैं। सेम हम इसके साथ करके देखते हैं, टोटल हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द वेबसाइट, लेट्स चेक। ओके क्रिएटिव, ओके गुड। लॉट्स ऑफ पेजेस, तो 60 पेजेस इनके वेबसाइट में है। यहाँ पे देखते हैं कुछ गूगल पे हो, वेबसाइट तो डाउन है लेकिन गूगल पे कुछ मिले, है बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बल्क एसएमएस और ये सब बेचते हैं, ज़्यादा कुछ रहा नहीं, ये वेबसाइट डाउन हो गई इनकी। धीरे धीरे गूगल से सारे पेजेस निकल रहे हैं, ऑलरेडी पेजेस थे वो जा चुके हैं। थोड़ा सा आगे चल के मैं, थोड़ा सा आप आगे चल के मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें हम वेबसाइट जो डाउन हो गई है उस पे क्या था हम वो भी जान सकते हैं। एक तरीके से हम टाइम मशीन है एक इंटरनेट पे, जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का पास्ट क्या था वो हम जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि फेसबुक आज से 10 साल पहले कैसा लुक था उसका, क्या क्या पेजेस थे, तो मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहले हम थोड़ा सा ये इनिशियल रिसर्च पूरा कर लेते हैं। ओके मैनेजमेंट करके सर्च करते हैं एजेंसी दिस। अब देखिए और नए खुले आपका, और नई कंपनीज यहाँ दिख रही हैं, ब्रैंड कैंडी, नोप, क्रिएटिविस्ट, ये हमने देख ली, आई डिजिटलाइज, ये सभी सब डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं शायद, या ब्रांडिंग कंपनीज हैं ये। हाँ, जिसके होम पेज पे ये कीवर्ड रैंक कर रहा है वो उसका मेन डोमेन है, वो सिर्फ उसी डोमेन में काम कर रहा है, और जिसके सब पेजेस बने हुए हैं, देखिए पॉलिटिकल कैंपेन, तो ये देखिए आप, ये एक सर्विस है, इसके अलावा भी सर्विसेस ये दे रहे हैं, तो हमें निस देखनी है, निस यानी पर्टिकुलरली उसी डोमेन पे सिर्फ काम करने वाली कंपनियां, तो हमें उससे बेहतर आइडिया लगेगा। ये देखिए ये सर्विसेज दे रहे हैं, इनके अंदर देखेंगे आप मल्टीपल सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, सी इसमें से एक सर्विस है पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट। उसके अलावा हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी देखिए सर्विसेज बहुत सारी हैं, इसमें एक है, लेकिन हाँ ये जो मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली सर्विसेज जो हैं वो यूपी के इलेक्शंस के अराउंड है, तो दैट वन इज गुड, वी कैन गो फॉर इट, ओके गुड। तो एक कंप्यूटर हमें यहाँ मिला, लेट्स कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंप्यूटर्स, ओके वन कंप्यूटर, एंड ये कंप्यूटर नहीं है, टायर 2 का कंप्यूटर है, डायरेक्ट नहीं है, तो मैं कंप्यूटर्स को भी डिवाइड कर देता हूँ। निश थोड़ा सा कुछ भी नाम रख लो, मुझे तो ये रखना है कि टीयर 2 कर लो, मतलब जो डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं है, सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, ये हो गए और ये यहाँ आ गया, ठीक है। सो दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो इन दिस कैटेगरी, ओके एंड वट अबाउट दिस, दिस वन इज मैन, डायरेक्ट कंप्यूटर कह सकते हो, या फिर सेम बिजनेस में है, जो आप करते हो वो करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये इनके पेजेज या सर्विसेज रैंक कर रहे हैं, ये इनके होम पेज रैंक कर रहे हैं, तो उससे मुझे क्लियर हो जाता है कि होम पेज जिसका जिस की वर्ड के लिए रैंक कर रहा है, तो समझो वो उसी डोमेन में है, जैसे ये रहा, ये किसी ने बना रखी है, लेकिन बट बड़े बिजनेस नहीं है कोई, किसी ने लोकल मतलब गूगल माई बिजनेस पे वेबसाइट बना रखी है, लोकल पेजेज जो होते हैं, तो ये से भी हम निस वेबसाइट में ही कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स चेक, लेट्स चेक, लेट्स चेक, ओके गुड। अब कुछ और ऐसा मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, चाणक्य तक आ गए, थोड़ा नीचे आते हैं। जरूरी नहीं है कि लोग कंपनी काम करती हैं गूगल पे रैंक नहीं करती हैं, जरूरी नहीं है कि जो रैंक नहीं कर रही वो अच्छी कंपनी नहीं है, हो सकता है उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हों, वो डायरेक्ट बिजनेस लेते हों गूगल से ना लेते हों, तो आप टॉप
जब आप रिसर्च करते हो इनिशियली, तो टॉप रिजल्ट्स पे मत जाइए, टॉप रिजल्ट्स के साथ साथ आप अंदर भी देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सी 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 एवरीथिंग, ये रैंक नहीं कर रहे हैं, इट्स टोटली फाइन, बट स्टिल दे हैव दैट काइंड ऑफ सर्विस जो आप ढूंढ रहे हैं। देखिए एक आशीष गुप्ता, समवन इंडिविजुअल इलेक्शन कंसल्टेंट, इलेक्टोरल कैंपेन कंसल्टेंट काइंड ऑफ पर्सन, और भारत ओके, बिहार ओके, ब्लॉग स्पॉट पे किसी ने डाल रखा है, सोशल नीति एंड ओके, पीआर एजेंसी एंड इलेक्शन इलेक्शन, हाँ डन, आई थिंक डन। कुछ सर्विसेज और सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे मिले, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिला, तो जब आप ये रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बीच में सॉफ्टवेयर मिला, क्या हम इसको बिजनेस बना सकते हैं, ये हमारी बिजनेस में ऐड हो सकता है क्या, तो इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अदर मतलब रिलेटेड पेजेस या सर्विसेज क्या आप बेच सकते हो और क्या पॉसिबिलिटी है, तो बिजनेस आगे कैसे स्केल कर सकते हैं हम। तो मुझे लगा कि ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी है जो कॉमन है, तो सॉफ्टवेयर जब मैं सर्च करूं, पॉलिटिकल कैंपेन, देखिए सर्च है इसकी, मतलब क्योंकि सीजनल काम है तो सर्चेज ऑब्वियसली एवरेज सर्च कम होगी, लेकिन जब इसका सीजन आता होगा तो मुझे लगता है इसकी सर्चेज बहुत ज्यादा होती होंगी। तो एक ये देखिए सॉफ्टवेयर, तो हम इस पे चेतु करके एक है, और ये तो यानी एक सर्विस हमारी ये बन सकती है, ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज। और ये कंप्यूटर हमारे हैं, एक बार और हम इसको खत्म कर देते हैं, ये किए जनरथ, परफेक्ट, ये हमारे डायरेक्ट कंप्यूटर्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। इंडिया सेम ही था क्या, सेम ही है, नहीं डॉट कॉम और डॉट इन अलग अलग बना दिए हैं, अलग अलग उन्होंने बना रखे हैं, बट स्टिल टोटली फाइन। ओके ओके, डिजाइन देखिए, इनके पेजेस देखिए, कैंपेन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल कंसल्टिंग, तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा कि हम ये क्यों रिसर्च कर रहे हैं, वो अभी उसका सॉल्यूशन अभी आएगा क्यों कर रहे हैं हम। ये क्या करते हैं, इलेक्शन, परफेक्ट, ये वेबसाइट का डिजाइन अच्छा है, लुक अच्छा है, यहाँ पे हमें कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल सकती हैं अपने बिजनेस के बारे में, ये ओके, दिस वन इज ऑल्सो गुड, है ना। सो जब आप इस तरह लिस्ट बना लेते हैं तो आप को फिर बार बार रिसर्च करने की जरूरत नहीं। मैं ये इतना टाइम इसमें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास एक कंप्यूटर सामने होगा जिसको देख के, जिसको देखने के बाद आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, जो ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी आपसे पहले चल रहा है, कुछ बेहतर कर चुका है आपसे, एक स्टेप फर्दर है, लोग जानते हैं, तो आप उनसे कुछ सीख सकते हो, और सीखने के लिए उनको हमें अंदर तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है। तो ये लिस्ट एक्सेल पे बना लो या यहाँ पे बना लो, बट कीप इट, जिससे कि जब भी मैं रिसर्च का काम दोबारा मुझे इंटरनेट पे ना जाना पड़े। जितना एक बार आप जब डेटा को कलेक्ट कर लेते हो, और कम से कम उसी डेटा को एक मतलब एक बार मैंने सब कलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास स्कोप ज्यादा नहीं दिखेगा इसके बाद, इसके बाद मुझे इंटरनेट का यूज करने की जरूरत नहीं है, बस जो अवेलेबल डेटा है उसको कंपाइल करना है, उससे सीखना है, उसको यूज करना है, दैट्स इट। अच्छा, अब ये कलेक्ट करने के बाद करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, इलेक्शन सॉफ्टवेयर, एक सॉल्यूशन है, एक सर्विस है, इलेक्शन सॉफ्टवेयर। तो एक हमारी जो सर्विस है जो कंप्यूटर सभी दे रहे हैं, सभी की, अब मुझे लग रहा है अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मैंने डाल दिया है चुनाव वाला, चुनाव प्रचार डाल दिया है, सभी डाल दिए ऑलमोस्ट, ठीक है ओके। एक चेतु, ये सॉफ्टवेयर वाला है, ठीक है चलो इसे भी डाल देते हैं यहाँ टायर टू में, लेट्स पुट इट हियर, दैट्स इट डन। अब बहुत हुआ, अब बारी आती है कि ये कर क्या रहे हैं। तो पहले कम्पिटिटिव रिसर्च आपकी होगी, पहला पार्ट डन। लेट्स टॉक अबाउट पेजेस और बेटर टू से सर्विसेज, पेजेस तो वही सर्विसेज के बनेंगे ना, तो बेटर इसके लिए रहेगा सर्विसेज, राइट। अब ये सर्विसेज और क्या दे रहे हैं जिससे इनका बिजनेस चल रहा है, तो और जो जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिए, जैसे इन्होंने चुनाव प्रचार है ये दे तो रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स रिलेटेड, देखो इलेक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज, इलेक्शन वॉर रूम, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, पॉलिटिकल रिसर्च, प्राइवेट कॉल सेंटर, परफेक्ट। सो हमारे सामने अब एक लिस्ट निकल के आई जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट, परफेक्ट।
अगर आपके पास टीम है, डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, अगर आप ऑफलाइन कैंपेन मैनेजमेंट के लिए आपने कुछ लोगों को रिक्रूट कर रखा है, अगर आप इस तरह की एजेंसी को जानते हो, आप लीड जनरेशन में भी काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही पूरी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, वी हैव डिजिटल मार्केटिंग टीम, बट वी डोंट हैव ग्राउंड लेवल टीम। सो मे बी उसके लिए हमें थर्ड थर्ड पार्टी के साथ कोलाबरेट करना पड़े। सारी सर्विसेज देना पॉसिबल नहीं होगा, बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए लिस्ट जो पॉसिबिलिटी है कि इसको हम कर सकते हैं। मतलब ये इस मार्केट में चलता है। अब वो कैसे प्रोवाइड करना है, दैट इज अनदर लेवल, नेक्स्ट स्टेप है वो। तो हमने यहाँ देखा ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, बल्कि SMS वगैरह दीज आर द टायर टू सर्विसेज, दीज आर नॉट द रिलेटेड सर्विसेज कि डायरेक्टली पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन मैनेजमेंट या प्रमोशन किसी का करोगे तो वहां पे SMS करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो उसका पार्ट है। तो उसके पार्ट के अंदर क्या आ रहा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं करना क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम अपनी सर्विसेज को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने तो कह के छोड़ दिया इलेक्शन मैनेजमेंट, लेकिन क्या मार्केट में और किसी वर्ड से इसको जानते हैं क्या, तो वो समझना है हमें। तो सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर हम सेल कर सकते हैं, हम बना तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है, क्या जो कंपनी सॉफ्टवेयर सेल कर रही है क्या उनसे डील करके हम रीसेल कर सकते हैं, क्या हम एफिलिएट बन सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जब आप मार्केट को देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो बेसिक हमने ये देखा, एक कंप्यूटर से ये सीखा, और इसी के साथ इसका काम खत्म, सर्विसेज हो गई। बल्क SMS डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक, आई डोंट थिंक इलेक्शन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल रिसर्च, पॉलिटिकल रिसर्च आई थिंक मैंने डाल दिया है, डन डन ओके। अभी मैं अपना दिमाग कहीं नहीं चला रहा, आई एम जस्ट डूइंग रिसर्च, और वहां से मेरे पास निकल के आ रही हैं चीजें, दैट्स इट। अभी एक कंप्यूटर हमने खाली कर दिया, इसके जेब में जो कुछ था हमने सब ले लिया। अब यहाँ देखते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल, ओ ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल, सेलिब्रिटी पॉलिटिकल, ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही इन्होंने कर दी, इसका तो मुझे बहुत ज्यादा ही निश कर दिया। चलो इसको भी देखेंगे। तो पॉलिटिकल इलेक्शन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इसका मतलब क्या करते होंगे इसमें, चलो ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग कैंपेन सर्विसेज जो हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग सर्विसेज, इलेक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज, इलेक्शन कैंपेनिंग सर्विसेज, ठीक है। और इसके अंदर अप्रोच क्या रहती है, हम थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हुए चलेंगे अप्रोच के लिए, जैसे इसके आगे हम इसको ऐड करके, जिससे कि हम चीजें आगे के लिए हमारे लिए यूजफुल रहे। जस्ट एक रफ आइडिया लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुंबई में है पॉलिटिकल मैनेजमेंट, कीवर्ड्स देखते रहिए, टारगेटेड वोटर, तो SEO का आगे काम आएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड जो मेन कीवर्ड हैं जिन पे हम टारगेट करेंगे। एक है आपके LSI, ये जब मेरा कोई भी वीडियो अगर आप देखोगे SEO का, तो उसमें एक्सप्लेन कर रखा है मैंने LSI, इसको मैं लेमैन में कहूँ तो रिलेटेड वर्ड्स जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि हम SEO से इसको रैंक कराने वाले हैं। अगर सही चलता रहा तो मैं इसकी पूरी केस स्टडी को यहाँ पे डालूंगा स्टेप बाय स्टेप, कि जैसे अभी मैंने रिसर्च की तो वेबसाइट के पेज कैसे प्लान करे, फिर SEO किया तो कैसे किया, फिर ये रैंक आ रहा है, रैंक के बाद लीड आ रही है, तो कोशिश ये करूंगा इस तरह से चले हम। अब पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट, हमारे कुछ कीवर्ड हैं वो साथ में ध्यान रखिए, आगे काम देगा, रिसर्च कर ही रहे हो तो ये भी साथ में करिए। ये फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ, इनको रखना चाहिए हर बार रिसर्च में, ये सारे कंसीडर करके चलिए। जरूरी नहीं है कि एक बार हमने कंप्यूटर रिसर्च की, अगली बार ये कर लें, जैसे कर सकते हो वैसे करो, हमें करना है, दैट्स इट। कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है, सिंपल ये है कि जो हमें प्रोसेस करनी है वो फॉलो होनी चाहिए। ओके जैसे होर्डिंग, पेम्पलेट, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कराते हैं, है ना, ये कैंपेन का पार्ट है, तो सर्विस का पार्ट है। तो ये जो ऑफलाइन प्रिंटिंग की पार्ट है वो सब सर्विसेज में आपके आते हैं। तो सर्विसेज के पार्ट के साथ साथ आप टायर टू सर्विसेज, जो कि हम सर्विसेज के अंदर मेंशन करेंगे, या फिर इनको आप कीवर्ड की तरह भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसको टायर टू सर्विसेज बोलता हूँ, मतलब रिलेटेड सर्विसेज हो गई, सर्विसेज जो हमारी मेन सर्विसेज को सपोर्ट करेंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक पेज हो गया, लेकिन इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, PPC, फेसबुक एड, सोशल मीडिया के अंदर फिर फेसबुक एड, गूगल, इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन एड और यूट्यूब एड, फिर जब आप फेसबुक एड के अंदर जाओगे तो उसके अंदर भी ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना। तो हम अभी इसको टायर टू सर्विसेज में हम क्या क्या ले सकते हैं, पैम्पलेट हो गया, या इसको जनरलाइज कर देता हूँ, ज़्यादा वो नहीं जाते। तो ऑफलाइन प्रिंटिंग,
या इसको ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग रिलेटेड प्रिंटिंग सर्विसेज, है ना, वो सारी चाहिए होंगी। और हम देखते हैं ये देखो इलेक्शन कैंपेन सेटअप, उसके अंदर का ही पार्ट रहेगा, मैं कॉपी करने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आपके सामने रहेगा तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है, तो अब मैनेजमेंट के अंदर आप इसको एक एक करके डाल सकते हो। अवेयरनेस ऑन सोशल मीडिया, तो ये इसको एक्सप्लेन, आप सेम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कुछ भी वर्ड किसी का यूज नहीं करना है, सिर्फ ये रिसर्च है और रिसर्च के टाइम पे हम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं मार्केट कैसा है, गूगल इसको कैसे समझता है, गूगल क्या है कि रैंक कर रहा है इन सबको टॉप पे, तो इन्होंने क्या वर्ड्स यूज करे हैं, वो सब सर्विसेज क्या हैं जो लोग दे रहे हैं, तो हम वो कंटेंट में हम इसे इंक्लूड कर पाए, तो ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये जितना भी रिसर्च कर रहे हैं, ये कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होने वाली है, जब ये वेबसाइट पे जाएगी तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा, इसका तरीका अलग होगा, बट क्योंकि मैं बार बार हर एक जगह जाके वो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सारा कुछ एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ, कलेक्ट, है ना। और इसी के अंदर आप ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा सा, यानी एक्सप्लेनेशन, यानी कि इंटरनल पार्ट कह लो, जो भी इंटरनल पार्ट अंदर क्या रहेगा, और साथ में हम कर सकते हैं इसमें इसकी जो सब हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स इसके अंदर पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, लोगों ने कैसे डिवाइड किया, मैं एक साथ सारे काम कर रहा हूँ, मैं एक साथ आपका की हेडिंग्स क्या क्या रहेंगी, इस सर्विस को अगर हम बनाएंगे तो क्या क्या हेडिंग कंप्यूटर्स ने रखी हैं, तो आपको मैं सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज के कीवर्ड के लिए या पेज के लिए हेडिंग्स कैसे प्लान करनी है वो भी साथ में बता रहा हूँ। देखिए आप नोट करिए, यहाँ पे इन्होंने एक पहले इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, तो हेडिंग में आपका इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन जिसमें आप बताओगे कि क्या है, फिर हेडिंग्स में आप देख रहे हो कि सब सर्विसेज क्या हैं, सब सर्विसेज क्या हैं, व्हाट यू विल गेट इंट्रोडक्शन, तो या आप हम ऐसे कह सकते हैं व्हाट का आंसर यहां देंगे हम पहले हेडिंग में पहले, फिर हम आंसर किसका दे रहे हैं, शुरू में मुझे जो लग रहा है वो वाई का आंसर दे रहे हैं, फिर व्हाट का आंसर दे रहे हैं, वो क्या क्या आपको मिलेगा, और फिर बेनिफिट्स, तो वाई व्हाट हाउ, हाउ हाउ था जो मिडिल में था, है ना, कैसे करेंगे हम ये सब करेंगे, क्या फायदा होगा, वाय क्यों आपको ये सर्विसेज लेनी चाहिए, तो कस्टमर के दिमाग में जो भी सर्विसेज दिमाग में बातें आती हैं वो सारे बातों का जवाब होता है पेज, तो उसका जवाब है ये, और जवाब में आप ये जवाब एक दे रखा है कि बेनिफिट क्या होंगे, है ना, जब वो पूछे कि भाई मैं क्यों लूं, तो उस केस में आपका जवाब ये रहे, ठीक है, ये सारे जवाब इसको हम थोड़ा और बेहतर वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक जस्ट एक का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, लेकिन देखा जाए तो यही एक प्रोसेस है, दिस इज हाउ वी वर्क, मतलब मैं इसमें किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जैसे काम करता हूँ वैसे ही चीज़ों को एलोबरेट करूँ यहाँ पे। तो सर्विसेज आप देखिए, रोड मैप देखो आ गए, कुछ वर्ड्स और मिले हमें, जैसे ओपिनियन पोल, डोर टू डोर सर्वे, ओके गुड, तो हमें यहाँ पे एक दो सर्विसेज और मिली। रिसर्च करते जाइए, हर एक कंप्यूटर को खोलते जाइए, हर एक कंप्यूटर ने क्या क्या किया है सब कुछ डालते जाइए, सारे फैक्टर्स डालते जाइए, तो हम जो पेजेस बनेंगे, पेजेस के अंदर हम जो जवाब दे रहे हैं और साथ में क्या क्या हेडिंग्स लग सकते हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल अगर कोई है आपके पास तो टेस्टिमोनियल आपको दिखाना चाहिए, है ना, थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, एक्सपर्टीज दिखाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, लोगों ने कर रखा है, देखिए कल्चर किस तरह से कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं, ये मार्केट में जाके फील्ड ग्राउंड पे जाके देख रहे हो, ग्राउंड में जाके ये लोग कर रहे हैं ये सारे काम, और दैट इज गुड गुड, सी सी ये अट्रैक्शन है, ये देख के लोग कन्वर्ट होंगे, और ही इज डूइंग गुड, और ठीक है, तो हमें ये चाणक्य वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसका मामला, तो इस तरह के कंप्यूटर को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए पेज पे उसके काम पे, तो चाणक्य, चाणक्य ये रहा, इसको हम थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देते हैं एंड कीप इट दैट वे, ठीक है,
इसकी भी सर्विसेज हमने देखा, क्लाइंट क्या है, सर्विसेज क्या है, सर्विसेज में आइए, सब यही है, यही मेंशन है। तो ओपिनियन पोल, तो हमें और सर्विसेज यहाँ पे मिल रही हैं, ओपिनियन पोल इसी के अंदर का पार्ट है, ठीक है। और बूथ कमेटी एंड सोशल मीडिया एंड मैन टू मैन मार्केटिंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वॉर रूम प्लानिंग, वॉर रूम प्लानिंग ये ऑलरेडी हमने डाल दिया, वॉर रूम प्लानिंग ये हम उसमें आ जाएगा। और कुछ ऐसा है नया, बूथ कमेटी, ओके ये ऑफलाइन वाले सेक्शन में है, ओके ठीक है। और उसके अलावा आपका डोर टू डोर सर्वे, सर्वे 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 सर्वे, ठीक है, इसके लिए भी यानी टायर टू सर्विसेज हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सर्विसेज, हम हर एक पे जाएंगे, ये ख़त्म हो गया, इसका ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अवर सर्विसेज, रिसर्च स्ट्रेटजी, आप देखो यहाँ पे और अच्छा मिला, ये बेटर मतलब औरों से बेहतर मिला। तो आप जैसे ही लोगों को देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यू कैन डू मच बेटर, मतलब आप जो सोच रहे थे, लोग जो कर रहे हैं, हर एक में जाके आपको नई चीज मिल रही है। तो रिसर्च इसलिए जरूरी है। ये देखिए सर्विसेज के अंदर उन्होंने डिजिटल मीडिया इंक्लूड किया है, सब क्लासिफाई किया है उसको, और डिजिटल मीडिया से उन्होंने ये सारा पार्ट निकाले कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या करेंगे वो, दैट इज अवर एक्सपर्टीज। फिर उन्होंने लिया दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, और वो था पार्ट आपका सर्विसेज, ग्राउंड कम्युनिकेशन रिसर्च एंड ब्रांडिंग, ये रहा। वाह, गुड 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 गुड, ये जो है दैट वन इज आल्सो गुड। जब हम वेबसाइट बनाएंगे, वी विल कीप इट इन माइंड एंड दैट्स इट। ब्रांडिंग मैनेजमेंट, ब्रांड पोजिशनिंग, आउटडोर ब्रांडिंग, तो वर्ड्स, वो वर्ड्स देखो, हम जनरली बोल देते हैं कि भाई ये कलेक्शन मैनेजमेंट है, लेकिन वर्ड्स हमें अब मिल रहे हैं, वो वर्ड जो एक्चुअल में लोगों पे इम्पैक्ट डालेंगे और एक्चुअल में जो मार्केट में चलता है, वो वर्ड्स हमें मार्केटिंग रिसर्च से मिल रहे हैं ये, ओके। ये आर्टिकल्स लिख रखे हैं लोगों ने खुद को प्रमोट करने के लिए, बहुत अच्छे, गुड। अब हमारा काम जनाधार, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, इलेक्शन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल एंड मोबाइल, सब क्लासिफाई कर दिया सर्विसेज को, ओके डन 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 डन। अब हम आते हैं बैक टू पवेलियन, अब हम पेज प्लान करते हैं, हमने देख लिया बहुत कुछ, तो अब हम पेज प्लान करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो पेजेस की प्लानिंग करते हैं, पेज हमारा क्या क्या है, होम रहेगा, ठीक है, उसके अलावा हमारा सर्विसेज पेजेस रहेंगे, उसके अलावा क्या रहेगा हमारा, सर्विसेज के अंदर सब सर्विसेज जो हमने अभी देखी हैं उसी तरह से, जिससे कि आदमी कांटेक्ट कर पाए, ठीक है, और कोई सब पेजेज ऐसा जो इम्पैक्टफुल हो, ज़रूरी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कांटेक्ट हो गया एंड अबाउट अस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह प्लान करके फिर हम सर्विसेज पेजेस पे जाएंगे, और मेन जो सर्विस पेज है, सर्विस कीवर्ड वो है, उनका यूज करके हम सर्विस पेजेस बनाएंगे। जैसा कि मुझे रिसर्च से लगा, तो यहाँ पे तीन तरह से काम कर सकते हैं हम। अब सिर्फ सर्विस की अगर मैं बात करूँ, तो मेन पेज हमारा एलोबरेट करेगा कंप्लीट इलेक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज, सारी सर्विसेज वहाँ लिस्ट होंगी, उनको भी हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि ये मुझे बेस्ट तरीका लगा, उसको हम अपने आइडिया से, अपने स्टाइल से हम उस चीज़ को काम कर सकते हैं। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इलेक्शन मैनेजमेंट होता, थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्लानिंग, इलेक्शन प्लान, कहीं पे हम कोई इमेज या कुछ देखते हैं जहां से हमें आइडिया लगे कि हाउ इट वर्क्स, पोलिंग स्टेशन, लॉजिस्टिक प्लान एंड मूवमेंट प्लान, ओके। पोलिंग स्टेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नंबर ऑफ पोलिंग, पोलिंग स्टेशन, ओके, यानी पोलिंग वाइज वो डिवाइड कर देते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, हर एक को एक टीम दे दी जाती है, तो वो अपने अपने एरिया को हैंडल करने का एक मैनेजमेंट दिया जाता है, जब भी हम इलेक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे कैसे किया गया है, तो EBM वाला आ गया, ये कुछ नहीं, इलेक्शन कैंपेन, कैंपेन कैंपेन देखते हैं,
प्लानिंग मैंने देखा हुआ है कि लोग किस तरीके से इलेक्शंस को प्लान करते हैं. फील्ड प्लान, फंड रेजिंग हो गया, कम्युनिकेशन प्लान परफेक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है दैट विल हेल्प. प्लानिंग टू विन, डिफाइनिंग द विक्ट्री, इवेल्युएट द कैंपेन क्लाइमेट एंड चार्टिंग योर कोर्स एंड चूजिंग योर इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी, मैसेजिंग फॉर इम्पैक्ट. ओके, ये थोड़ा सा अच्छा मुझे रिसर्च लग रहा है. देखिए, रिसर्च हमने की बट वी विल नॉट फॉलो, वी विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग बेटर देन एनी अदर. तो इसलिए हमें इसकी इन डेप्थ जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स. अगर आप नहीं समझेंगे बिजनेस को डीप डीप ग्राउंड पे, तो आप एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे कन्वर्ट करने में. तो हमें पहले ग्राउंड लेवल पे इसको समझना पड़ेगा. तो कोई भी ये थोड़ा सा डिफरेंट वो है निश, लेकिन हमने देखा है इलेक्शन ऐसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहता है हम ही सभी को थोड़ा थोड़ा. बाकी हम थोड़ा सा जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनकी राय क्या है, किस तरह करते हैं, तो वहाँ से आइडिया लेके देखते हैं क्या ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है. यूजिंग दिस टेम्पलेट, ओके. डिस्ट्रिक्ट ओवरव्यू, ठीक है, ये वैसे विदेश का है लेकिन इंडिया में इलेक्शन फिर डिफरेंट तरीके से रहता है. फंड रेजिंग ये हमारे यहाँ डिफरेंट ही रहता है मामला इसका. एंड कम्युनिकेशन प्लान, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे आप मीडिया प्लान करोगे, ये जो प्लान है ये हमारे मतलब का. ओके, कैंपेन टेम्पलेट है वैसे, अगर फ्री में मिल रही है, सीधे मिल रही है, तो आई थिंक हमें देख लेना चाहिए. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, लेट्स चेक. ये रहा, यहाँ से हम जाते हैं मीडिया लिस्ट. ये आ गया मीडिया लिस्ट. आउटलेट टाइप, रिपोर्टर, बीट, ईमेल, ओके. अगर हम, ये तो हमारा इंटरनल प्लानिंग रहेगी. रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया टू ऑर्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीडिया कैलेंडर प्रिपरेशन, ओके ओके. हाँ, डिजिटल एड स्ट्रेटजी, गोल, ऑडियंस, टाइम फ्रेम, डेडलाइन, परफेक्ट परफेक्ट. ये रहा गोल, ऑडियंस, टाइम फ्रेम, डेडलाइन, कॉपी, ओके. तो यानी कि इसमें कंट्रीब्यूटर, ओके ठीक है. इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट इन इन ओके. अब जैसे देखिए, जैसे जैसे आप चलोगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. देखो, पोस्टर एंड स्लोगन, ठीक है. तो स्लोगन्स, ये वो चीज़ है जो हर एक पॉलिटिशियन को चाहिए होती है. हर एक पॉलिटिशियंस को ये चाहिए होता है, ऐसा स्लोगन मिल जाए हमें जो जो कि बस लोगों के दिमाग पे छप जाए. तो वो स्लोगन, वो वर्ड्स, ये मार्केटिंग का पार्ट है, ये कैंपेन को बेटर करने का पार्ट है. तो आप एक ये चीज को भी आप अपने पेजेस के अंदर, सर्विसेज के अंदर डाल सकते हो. इंडिविजुअल सर्विस भी बना सकते हो, इवन अपनी सर्विसेज को हाईलाइट कर सकते हो इसको. ऐसी और भी सर्विसेज आपको मिलेंगी, तो और टायर टू सर्विसेज में मैं इसको लिख देता हूँ स्लोगन. तो जब आप रिसर्च करोगे तो आपको सब मिलेगा. उसके अलावा अब करना क्या है, गूगल पे सर्च करो इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट, ठीक है, और प्लस प्लान. मैनुअल आ गया, देख रहे हैं आप, ये आ गया, सारे प्लान आ गए, पीडीएफ आ गए. तो एक बार जब आप थोड़ा सा और आइडिया ले लेंगे, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा. हाँ, सपोर्टर, ओके, पोटेंशियल सपोर्टर, परफेक्ट. कुछ ऐसा सर्विस जो कस्टमर रिलेट कर पाए. ये तो सब पढ़े लिखी वाली बातें होंगी कि भाई पॉलिटिकल कैंपेन कि ये बूट लेवल, वो रूट लेवल, ये सब कुछ ऐसा जो जब पॉलिटिशियन देखे तो वो उसे लगे कि दिस इज फॉर मी, वो निकालना है. तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जब आप उसकी रूट को समझोगे. तो रूट क्या है, यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं. सर्विस देने का जब जवाब आप ढूंढते जाओगे तो आपको रूट मिलेगा. तो इसका रूट क्या है कि हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के अंदर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनको सपोर्टर चाहिए, वोटर चाहिए. तो ये जो प्लान है, यहां से हमें एक टर्म मिला जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, एड कॉपी, सॉरी वेबसाइट कॉपी में लिख सकते हैं, जिसको देख के लोग इंप्रेस हो सकते हैं. वो ये पार्ट है सपोर्टर, और इनमें सेगमेंट करके आप आगे काम कर सकते हो, और ये दैट इज गुड थिंग.
तो हम ये सपोर्टर वर्ड जो है, तो हमें टैगलाइन भी मिल गई अपनी वेबसाइट के लिए, ये देख के मुझे मिल गई है। वो टैगलाइन क्या रहेगी? कन्वर्ट योर सपोर्टर, नहीं, सपोर्टर टू वोटर, काइंड ऑफ टैगलाइन। यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे पेज एडिट करना होम पेज पे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सपोर्टर से पहले क्या हो सकता है? लेट्स डू इट। तो टैगलाइन आपको जो भी मिलता है, जस्ट कीप इट। सपोर्टर टू वोटर, पॉसिबल सपोर्टर स्ट्रेटजी में हमें वोटर सेगमेंटेशन परफेक्ट मिला। ये चीजें वहां नहीं थी, ये सब वहां नहीं था। हमने डिफरेंट तरीके से अब हम गए हैं। सिर्फ कंप्यूटर, जरूरी नहीं उसने रिसर्च की हो, तो कंप्यूटर को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, उससे एक आइडिया मिलेगा, लेकिन आपको उससे भी एक स्टेप फर्दर जाना है। कंप्यूटर ने ये सब नहीं किया, उसको नहीं पता ये सब, ये चीजें तो हमारे हमारे केस में ये बिल्कुल, मुझे लग रहा है बिल्कुल नई चीजें हैं। ये देखिए, कैंपेन मैसेजिंग, कैंडिडेट पोजीशनिंग, ओके परफेक्ट। अब मैं आपको ज्यादा लंबा सेशन नहीं करता, कुछ चीजें इनिशियली बता देता हूँ। ये इनिशियल रिसर्च का टॉपिक था, रिसर्च कैसे करते हैं, फिर इसको पेजेस कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा मैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आया और पसंद किया सबने यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो फॉर श्योर इस तरह का सेशन लाइव और रेगुलर ये पूरी वेबसाइट ऐसे ही बनेगी। लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, तो मैं पहले ये देख लूँ कि मैं जो तरीका है, ये जो तरीका मैं अपना रहा हूँ, लाइव पढ़ाना, मतलब लाइव जो मैं काम कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। सो फ्रंट पेज आया हमारा, फ्रंट पेज ये रहा, एंड फ्रंट पेज ये है, तो इस पे कंटेंट क्यों नहीं है? ओके, अगर मैं इसे एडिट करता हूँ, अच्छा ये कुछ दूसरे तरीके से आया है, तो हम, अब हमारा रिसर्च हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वर्डप्रेस में वैसे कम्प्लीटली अलग है टॉपिक, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि थीम ऐड करनी है, लुक एंड फील चेंज करना है। तो थीम पे क्लिक करिए, और ये थीम थोड़ी सी ठीक है, नीवी करके, ये थोड़ा सा फास्ट वेबसाइट बनाने में हेल्प कर देगी मेरी। बस अब पूरा फास्ट कैसे बनाएंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, नीवी सर्च किया, इंस्टॉल किया, एंड देन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। अभी थोड़ा स्लो है, इट्स टोटली फाइन। मैं इस पार्ट को सोचूंगा काट दूं अगर हो सका तो, इसको इंस्टॉल होने दो। मीनवाइल हम देखते हैं यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लाइव वॉर रूम मैनेजमेंट, वॉर रूम मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है, परफेक्ट। और जो सॉफ्टवेयर कंपनी दे रही हैं उनको कॉल करके हम बात कर सकते हैं, कितने रुपए का सॉफ्टवेयर है, क्या हम इसे रीसेल करें तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे। तो हम इस तरीके से अपने इस सर्विस को बेटर कर सकते हैं, जो भी चीजें चाहिए होती हैं सेकेंडरी वो सारी हमारे पास होंगी। तो हमें ये जो आर्टिकल मिला, ये रहा, ये भी हमें रखना है। तो प्लानिंग कर लेते हैं, पहले थीम इंस्टॉल हो गई, एक्टिवेट। एक्टिवेट करते ही आपकी वेबसाइट का कंप्लीट लुक चेंज हो जाएगा, सी सर्विसेज और ये सारा आ गया है ना। अब हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। अब मैं आपको एक वो बात बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था, कि ऑलरेडी अगर आपने कोई वेबसाइट खरीदी है और वो ऑलरेडी फ्यूचर में, पास्ट में थी, तो उसका कंटेंट कैसे पता करोगे क्या था? तो मैंने ये वेबसाइट पहले भी बनाई है 2 साल पहले, और उसका कंटेंट देखने के लिए वे वैक मशीन गूगल पे सर्च करिए, ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे अपना डोमेन डालिए, और जब भी ये डोमेन आपका रैंक कर रहा था या था ऑनलाइन, तो उस टाइम पे, मैं जून का देखता हूँ 2019 में, क्लिक करिए यहाँ पे, जो भी ब्लू कलर का हो रखा है वहां पे क्लिक करिए, तो ये आपको उस टाइम पे, उस डोमेन पे क्या कंटेंट था, कैसी वेबसाइट दिखती थी, वो आपको एज इट इज दिख जाएगा। तो इससे मुझे हेल्प होगी कि जो मैंने पहले जितना काम किया था, पहले एसईओ की रैंक आ गई थी, लीड्स आती थी, सी दिस ऑलरेडी क्रिएटेड है, सब कुछ मैंने किया हुआ है, सी। तो मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मैं इसी कंटेंट को इसी डोमेन पे, होम पेज पे इसी को लगा दूंगा अभी, बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने रिसर्च की है उसको और एड ऑन कर दूंगा इसमें। तो इस तरीके से मेरी ये वेबसाइट स्क्रैच से दोबारा से रेडी हो जाएगी, और दोबारा से जो रैंकिंग थी वो वापस आ जाएगी। तो ये मैंने सब ऑलरेडी कर रखा था, बट क्योंकि वेबसाइट डाउन हो गई है, दोबारा बनानी है, तो अब अभी तो इस पे कुछ नहीं है ना, ये तो पास्ट दिखा रहा है, देखिए ये 2020 में क्या था वो दिखा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ के भी हम चेक कर सकते हैं, ये रहा नवंबर 2019, ये था आपका जून 2000,
जून कोई टाइम था, ऊपर टाइम था, ये रहा सेम है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा मैंने कुछ एड ऑन कर दिया था उस टाइम पे, ब्लॉग आ गए थे, दैट्स इट बस। तो ये जो पार्ट है, और थोड़ा सा आगे चल के और हम देख सकते हैं नेक्स्ट 2019 के बाद 2020 में देखते हैं ये थी, एग्जिस्ट कर रही थी वेबसाइट, अगर कर रही है तो उस पर क्या था। ओके अगर कोई वेबसाइट है और खत्म हो गई है, हाँ 2020 में आते ही इसका मामला गड़बड़ है, तो जो नेक्स्ट जो इसका एक्टिव थी वहां पे आके हम चेक कर लेते हैं। ये जो जो स्केल आ रहा है, जो ब्लैक कलर की वो है, येलो ब्लैक, जहाँ क्लिक करोगे तो टाइम के हिसाब से क्या था। इवन इसमें आप क्लिक करके इसके पेज का भी कंटेंट देख सकते हो। तो मैं एज इट इज कंटेंट यूज कर लूंगा, सेम यूआरएल रखूंगा, यूआरएल नहीं चेंज करूंगा मैं। तो एक यूआरएल हमारा क्या है ऑलरेडी, पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर जो कि हम ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, और एक पेज हम ये वाला एज इट इज। यूआरएल नहीं बदलना चाहिए, अगर आप एसईओ के बारे में बात कर रहे हो तो यूआरएल बदलने से एसईओ आपका खत्म हो जाता है, रिडायरेक्शन करने पड़ते हैं। तो मैं वो रिडायरेक्शन करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ से आप यूआरएल चेंज करते हैं, सेम यूआरएल ऑलरेडी है, परफेक्ट। तो परफेक्ट, और कोई एक कॉन्टेक्ट है, एक होम है, एक सोशल लिंक से कोई मतलब नहीं, कैंपेन है, ठीक है। होम का तो होम रहेगा, कॉन्टेक्ट का क्या है, कॉन्टेक्ट। तो जो पेज पहले थे वो तो मैं रख ही ले रहा हूं यहाँ पे, इसका भी यूआरएल क्या है, एडिट, और इसका कॉन्टेक्ट ही है, परफेक्ट, पब्लिश कर देते हैं इसको भी। तो हमारा कैंपेन सॉफ्टवेयर हो गया, होम पेज हमारा एज इट इज है, कॉन्टेक्ट हमारा हो ही गया, ये इन करके है। और कोई पेज ऐसा जो हमने बनाया हो, आई डोंट थिंक, ये रहे, हाँ ये रिसोर्सेस करके एक है, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। बाकी हायर क्लिक करके कहाँ जाते थे वो देखते हैं, सी ये होम पेज ही है, ठीक है, होम पेज ही है, इसमें तो कुछ अलग यूआरएल नहीं। ऊपर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका पॉलिटिकल कैंपेन सॉफ्टवेयर वाला है, कोई जरूरत नहीं, ये हमने करेंगे, मतलब कंटेंट तो अब हमें यहाँ मिल ही जाएगा। एंड सी हियर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, ये पेज बना हुआ है पर इस पे काम नहीं हुआ था कुछ भी, है ना। तो हम इसको गूगल पे सर्च करके देखते हैं, अब तो खैर नहीं रहा होगा, वेबसाइट बहुत दिनों से डाउन है तो पॉसिबल ही नहीं है, इवन मुझे लग रहा है ये पेज भी हो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पेज पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, एडवर्टाइजिंग का पेज बना है तो ब्लैंक था, तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर कंटेंट होता, रैंक कर रहा होता तो इसकी ज़रूरत पड़ती। तो एडवर्टाइजिंग को लेके कहीं पेज बना है, नहीं बना है, तो हम यहाँ पे एक पेज बना देते हैं, और फिर बाद में कहीं कभी, क्योंकि मैंने कुछ प्लान करके ही किया होगा, तो उसको मैं रिसर्च पोर्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा और इसको रिसर्च करके, ऐसे करके पेज बन गया, ब्लैंक बन गया, अभी इसके अंदर कंटेंट नहीं है। कंटेंट यहाँ पे प्लस करके हम जो डालेंगे वो आ जाएगा, जिसको वर्डप्रेस आता है उसको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वर्डप्रेस का कोई वीडियो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर, उसके थ्रू हम करते हैं। तो ये पेजेज हैं, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ क्लिक करते हैं तो ओके। तो बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स इसके ऑलरेडी बने हुए हैं, आई थिंक मैंने बना रखे थे पहले लास्ट टाइम, तो उन अकाउंट्स की लिस्ट भी हमें मिल गई, ये रही लिंक। तो अगर आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स भी रखने हैं कहीं, तो जैसे कॉन्टैक्ट पेज हम बनाते हैं तो मोस्टली लोग वहाँ पे रखते हैं, तो कॉन्टैक्ट को एडिट करके वहीं पे ऐड कर देते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऐड सोशल, सोशल आइकन्स, एंड यूट्यूब है तो यहाँ पे प्लस यूट्यूब आइकन सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगा, डन। अब दूसरा आइकन आपको चाहिए तो मैंने जो जो मैंने पेज बना रखे हैं, ये रहा फेसबुक पेज, फेसबुक पेज बना रखा है, ये रहा फेसबुक, सेलेक्ट क्लिक एंड ऐड। तीसरा हमने बना रखा है ट्विटर का पेज भी, ठीक है, क्लिक हियर एंड ये ट्विटर, लिंक इट हियर, सिंपल, एंड फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम प्लस इंस्टा, इंस्टाग्राम, पुट इट, ओके, पुट इट हियर, डन, अपडेट, सी आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको और बेहतर करेंगे, इट्स नॉट कंप्लीट,
बट आपका एक एक फॉर्मेट रेडी हो गया है, आपको कंटेंट आपके पास ऑलरेडी बेसिक है। तो अगर अगर ये वीडियो सीरीज कंप्लीट मैंने करा पूरा, तो कोशिश करूंगा कि ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटेंट और ये यहीं से शुरुआत कर दूं। तो अभी के लिए मैं इतना ही सोच रहा हूँ बनाने का, अगर प्लान किया तो करेंगे। बाकी रिसर्च पार्सन पे वापस आते हैं हम, अगर तो आप देखेंगे रिसर्च करने के बाद ये हमें मिला, ये रहते हैं, ये सर्विसेज होनी चाहिए, जो कि हमें थोड़ा अलग दूसरों से अलग मिला है। तो मैं यहां से कुछ इसको मेंशन कर देता हूँ, जहां पे जो पेज बनाया है, जो वो बनाया है वहां पे डाल देता हूँ मैं। ये रहा, और ये पेज पे ठीक है, ये रहा वोटर सेगमेंटेशन पोजीशनिंग एंड बूट सेंटिमेंट ट्रैकिंग। ठीक है, ये देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी जो पेजेस क्रिएट किए थे, तो यू कैन सी दैट कि उन पेजेस में वो सारा कुछ फैक्टर था। ये रहा, ये सारे थे, क्या क्या है इसके अंदर आएगा और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन थोड़ा और प्लानिंग से हम कर सकते हैं, जैसे ये पेज बनाया था कि सोशल मीडिया न्यूज डेटा एंड ये सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें थी। तो दोबारा से इसको रिव्यू करके चीज़ों को करते हैं और बेटर करते हैं। ये रैंक करने लगा था बेसिक कीवर्ड पे, और जिस कीवर्ड पे भी रैंक करने लगा था उसकी हिस्ट्री आपको आई थिंक SEM रस पे आपको मिल जाएगी। तो आप ऑलरेडी उन कीवर्ड्स को भी निकाल सकते हो कि किस कीवर्ड पे मुझे काम करना चाहिए जो ऑलरेडी रैंक कर रहा था हमारा। और SEM रस, ये ग्रुप बाय सर्विसेज हैं, तो SEM रस पे हम डाल के चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी किस किस पेजेस पे क्या क्या रैंक थी, तो जिससे कि हम उन पेजेस की रैंक को वापस ला पाए जो 2 साल पहले 1 साल पहले था, तो हम उसको बरकरार रखें। तो इसलिए कोई भी पेज जो ऑलरेडी क्रिएटेड था, ऑलरेडी रैंक था, तो उसको हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे और नए पेजेस बनाएंगे जिससे कि और नए कीवर्ड्स रैंक करें। तो अभी हर एक पेज के लिए एक कीवर्ड डिसाइड करके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं इंडिया में इसका क्या था। तो ये वो टूल है जो आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का गूगल पे क्या है। देखिए ये सेक्शन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये आपको US का ट्रैफिक बता रहा है क्या? नहीं, ये आपका 2021 का दिखा रहा है। मैं हिस्टोरिकल डेटा अगर देखने जाऊं इसका, तो 2020-19 दिसंबर यहाँ देखते हैं। अच्छा, यहाँ है 2 साल 1 साल ऑल टाइम, 2 साल 1 साल। ये जो है ज़्यादा कुछ रैंक मैंने बताया कि बस चालू ही और डेड हो गई, लेकिन एक खास बात थी इसकी, ये देखो ना, ये हैक हो गया था तो फालतू के कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आने लगा था, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। ऑल टाइम करके देखते हैं, ये इस पे डेटा नहीं है प्रॉपर, जो डेटा मुझे चाहिए वो नहीं है, और वेबसाइट भी काम नहीं करेगी अभी। ये फालतू का कीवर्ड ये रहा। बैकलिंक्स कुछ हैं इसके, ज़्यादा नहीं है, है ना। और ये फालतू के पेजेस आ गए थे हैक होने के बाद, तो इस वजह से ये पूरा इसका SEO गड़बड़ हो गया, है ना। ये था ना कीवर्ड ट्रेंड भी देख रहे हैं आप, 40 कीवर्ड मतलब 80 60 70 कीवर्ड इस टाइम पे कहीं रैंक करने लगे थे, लेकिन सब गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो गया। कीवर्ड्स हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड कीवर्ड और क्या थे, आप कीवर्ड ओवरव्यू में जाके चेक कर सकते हो। इसका डेटा प्रॉपर नहीं आएगा, आना चाहिए, मतलब हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है ये, तो वो कीवर्ड्स होने चाहिए टेक्निकली, मतलब लॉजिकली वो चीज़ होनी चाहिए। पोजीशन पोजीशन, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर वेबसाइट की पोजीशन रिसर्च करते हो तो कर सकते हो। ये बेफिजूली के कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसको फिल्टर लगा के देखते हैं। इलेक्शन एंड सर्च, ऐसे कीवर्ड जिसमें इलेक्शन वर्ड था। नोप 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 नोप, मैनेजमेंट, सुभान अल्लाह।
नहीं है, वो गड़बड़ हो गया और पुराना मामला है वो। ओके, दिस इज हाउ वी विल क्रिएट वेबसाइट। अब ये वेबसाइट आ गई, थोड़ा सा और फास्ट तरीके से बता दूं, लुक एंड फील सही कर देते हैं। वेबसाइट ये रही, ब्लैंक लुक ऐसा है। यहाँ आइए और निवी ऑप्शंस पे जाइए, निवी वी और फालतू की थीम ये है, अगर यूज नहीं करनी है तो आप हटा सकते हो। स्टार्टर साइट पे क्लिक करिए, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ये आपको लुक एंड फील दे देगा। और फिर लुक एंड फील आपके पास है, अच्छा लुक है, सही दिख रही है, फिर आप पेज में जाइए और एडिट कर दीजिए। आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ आए, आप यहाँ पे कोई टेम्पलेट देखिए जो आपके बिजनेस को सूट कर रही है, कोई भी, जस्ट लुक। ये प्रीमियम टेम्पलेट है, ये फ्री टेम्पलेट है, फ्री टेम्पलेट में से ही कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये रहा, दिस वन इज गुड, ये प्रीमियम है, लीव इट। प्रीमियम का भी मेरा नीवी का पड़ा हुआ है, तो आप प्लगइन्स में आइए, ऐड न्यू प्रीमियम। आप अगर परचेज कर लेंगे तो आपको नीवी 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 नीवी, ये रहा प्रो, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल करते ही आपके जो प्रीमियम वाले दिख रहे थे ना, वो भी सारे आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट एंड गो टू गो टू गो टू अपीयरेंस एंड देन थीम देन स्टार्टर साइट एंड नाउ चेक ऑल आर अवेलेबल टू टू यूज, नथिंग इज प्रीमियम बिकॉज वी आर नाउ पेड। सी, राइटर वाला फ्री है अब आपका, और सब कुछ फ्री है। यहाँ आते हैं, ये लुक अच्छा है, नहीं, पॉलिटिकल कैंपेन सर्विसेज देखते हैं, इंडस्ट्री लार्जेस्ट, ये अच्छा लग रहा है, बट लुक और कोई देखते हैं थोड़ा सा अच्छा लुक। जब हम प्रीमियम लिया ही है तो उसका पूरा यूज करते हैं और कुछ ऐसा निकालते हैं जो हमारी सर्विस एक क्लिक में रेडी। मोटरसाइकिल, वैसे लुक अच्छा इसका लग रहा है मुझे, प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हो लुक। सी, इट्स परफेक्ट क्लीन एंड वाह। ओके, वी कैन गो फॉर इट। स्पेक्स, डिजाइन, वन पेज है ये, चलो। और क्या देख सकते हैं आप यहाँ से, बैक बैक, अरे बस बैक बस। यहाँ से हम आए यहाँ स्टार्टर, दोबारा से देखते हैं, एनी लुक एनी लुक एनी लुक एनी लुक। कॉपीराइट सर्विसेज वाला है, सर्विसेज वाला है, तो आप इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस आपको ढंग से एलोबरेट कर पाऊँ मैं। लुक जो मॉडर्न हो, अच्छा हो, उसको पकड़ो, और जो सर्विस को मैच करे, जो थोड़ा सा लगे कि हाँ आप कैंपेन इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करोगे, तो शुड बी समथिंग डिफरेंट। डिजिटल एजेंसी है, यानी एजेंसी का लुक एंड फील होगा तो ठीक भी होगी। एक ये वीडियो वाली है, डिजिटल वाली एजेंसी का मुझे लुक एंड फील थोड़ा समझ आ रहा है। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करिए, सारे सिलेक्ट हैं, सपोर्ट करने के लिए प्लगइन्स वगैरह हैं, सारे इंपोर्ट कर लो एक साथ। मैं गुटेनबर्ग पे बना रहा हूँ, गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर है, जो वर्डप्रेस का बेसिक एडिटर है, तो उसी की थीम है ये, तो इससे स्पीड बेहतर रहती है। बाकी और भी एडिटर्स ठीक हैं, जैसे एलिमेंटर हो गया आपका, बीवर बिल्डर हो गया आपका, बट मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यूट्यूब चैनल पे वैसे डाल रखा है गुटेनबर्ग को कैसे यूज करते हैं, तो वह आप देखिए, वेबसाइट आपका रेडी 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 रेडी। थोड़ा सा क्योंकि ये इंस्टॉल हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, सर्वर पे थोड़ा डेटा आ रहा है अभी। लुक ये है, अभी गंदी सी वेबसाइट है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही गंदी है, किसी नए बच्चे ने बना के डाल दी है, कुछ नहीं है, कोई फील नहीं, कोई अच्छा नहीं। तो अभी जैसे इंस्टॉल करेगा ये सारा काम करेगा, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना, बस एडिट करना है, नथिंग एल्स। एडिट करना है, पेजेस प्लान करने हैं, फिर एसईओ करना है, फिर अगर आपको एड चलाने हैं तो गूगल एड के थ्रू भी बिजनेस ला सकते हो, फेसबुक एड के थ्रू भी बिजनेस ला सकते हो, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, नेसेसरी प्लगइन, ओके, आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट जस्ट द टेम्पलेट। ये प्लगइन्स नहीं आ रहे थे तो इम्पोर्ट, ये प्लगइन्स परेशान कर रहे हैं, मैं प्लगइन अब सिलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, है ना, प्लगइन दिक्कत कर रहा था। अब आपका काम
कंटेंट इंपोर्ट हो जाएगा, लुक एंड फील इंपोर्ट हो जाएगा, जो सेटिंग्स हैं वेबसाइट के अंदर कि कैसा कलर रहेगा क्या रहेगा वो सब आ जाएगा, वो सब आते ही काम हो जाएगा। रही बात प्लगइन की, तो प्लगइन हम अलग से इंस्टॉल कर लेंगे। ये मैंने देखा इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, इट्स टोटली फाइन, किसी चीज़ से डरना नहीं है, लॉजिकली समझो आगे बढ़ो, व्यू वेबसाइट और इसी के साथ वेबसाइट का लुक बदल गया। टन टना 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 टना, अरे रिफ्रेश कर लेते हैं, अच्छा लुक आना चाहिए। वाई दिस कोरा वेरी डी, ये तो और ही ज़्यादा बेहतर लुक कर दिया इसने। ओके, इसमें कुछ लोचा हो गया, कुछ लोचा हो गया, और क्या लोचा हुआ है एक बार इसके पेजेस देखते हैं, सबने यही लोचा है, ऐसा क्यों है? कोई सपोर्टिव प्लगइन इसका नहीं आया साथ में, तो थीम पे जाते हैं दोबारा से, रिफ्रेश, लुक तो बदल गया बट अच्छा नहीं हुआ, लुक हमें चाहिए था अच्छा। यहाँ से स्टार्टर साइट दोबारा से देखते हैं, पर हमने जो टेम्पलेट इंपोर्ट की है उसने लोचा कर दिया है, और एक सिंपल टेम्पलेट एक और ट्राई करते हैं। वन क्लिक में मैंने किया हुआ है, दैट इज वेरी गुड, मैंने एक दो वेबसाइट इससे की हुई है, तो ऑल गुड। इंपोर्ट यानी लुक आपका चेंज हो जाएगा, वो जैसी वेबसाइट को आप लेके आओगे वो चेंज हो जाएगा। डन 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 डन, ये तो प्रो है, नाउ गुड नाउ गुड। ये साइड से क्यों आ रहा है? देर इज समथिंग मिसिंग, कुछ है लोचा। हाँ मतलब लुक एज इट इज आना चाहिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मैंने अभी ये इस पे बनाया है, तो वन क्लिक में जस्ट अभी क्लास से पहले ये वन क्लिक में ये पूरा इम्पोर्ट हो गया है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, है ना। तो देर इज समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, सो वी नीड टू चेक एंड वी नीड टू रेक्टिफाई इट। मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है प्लगइन, ऑलरेडी प्लगइन पड़ा हुआ है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, अदरवाइज अपडेट को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा इसको डीएक्टिवेट करते हैं ना यार, ये क्यों पड़ा था? ओके, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं, प्लीज नो। ओके, होम मेन चीज होता है, जो प्लगइन्स होते हैं आपस में इनके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं कि भाई ये प्लगइन इसके साथ सूटेबल नहीं है, ये डीएक्टिवेट करके हटा देते हैं हम, है ना। और टेम्पलेट कनेक्शन तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बाकी एड ऑन डाल दिया हमने, थीम पड़ी हुई है हमारी, और थीम हमारी निवी है, और रीइंस्टॉल एंड डन। ठीक है, वो तो अब पेजेस को बस चेंज करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लुक फील नहीं आया है, टोटली फाइन, एडिट पेज, और एडिट पेज करके आप कीप HTML, HTML था तो इंस्टॉल सेक्शन इंक्लूड सपोर्ट स्लैग, और ये कुछ चीजें, अरे हाँ सपोर्ट के लिए इसके वो पूरा कंटेंट नहीं आया है। ओके, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सेक्शंस आने लगेंगे, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। जो भी आपने स्टार्टर साइट डाली है ना, उसका कंप्लीट लेआउट अभी आया नहीं है, वो लेआउट आ जाएगा, और लेआउट जब आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, वही जो डाउनलोड होने में रुक रहा था ना, तो ये लेआउट आते ही आपका लुक एंड फील पूरा आ जाएगा। तो ये सेक्शंस आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लो, कुछ नहीं करना है, फिर अपने आप आपका लुक आने लगेगा, तो इंस्टॉल हो जाने देते हैं इसको, दैट्स इट। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल पेज को यहाँ से इंपोर्ट करके आप उसका डिजाइन एज इट इज ला सकते हो, इंपोर्ट, दैट्स इट, डन। पेज देखो, सी सी आ गया डिजाइन, इसको एडिट करना है, एडिट एडिट करके आप जो भी कंटेंट रिप्लेस करना है डालना है, यू कैन डू इट हियर, आ गया अपडेट। अब सेक्शन आई थिंक सारे, अरे नहीं सारे एक सेक्शन नहीं आया है, होम पेज का वो वाला सेक्शन आया है। तो आप इसी तरीके से अब इंपोर्ट कर देंगे, लुक आता रहेगा, देखिए इसका लुक ऊपर वाला लुक अच्छा हो गया, ये देखिए अब पूरा सही हो गया, सी एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ। कुछ रह गया है तो बस आप उसे इंस्टॉल सेक्शन में अपडेट करके दोबारा से रिफ्रेश कर लो,
कुछ रह गया होगा तो ये बता देगा। आ गया, अब लुक पूरा आ गया, अब कोई एरर नहीं दिख रही, सब परफेक्ट है। ठीक है, तो बस अब आपको चेंज करना है कुछ, चेंज कर दो। यहाँ पे मुझे चेंज करना है, जैसे होम पे रखना है ये, है ना। जो भी मेरा कंटेंट पुराना था उसका ध्यान रखते हुए मैं इसको बेटर कर ले रहा हूँ एडिट। तो होम रहेगा ये, और होम का सर्विस यहाँ पे नाम पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म इन इंडिया, ठीक है। और उसका सब हेडिंग मुझे डालना है, कुछ डालना है तो यहाँ पे, ठीक है। बस अपने कंटेंट को रिप्लेस करते जाना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से कॉन्टैक्ट मी पे अपना लिंक कॉन्टैक्ट वाले पेज का ही लगाना है जो हमने डाल रखा है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, ये रहा। और यहाँ पे ये इमेज रिप्लेस करनी है अपनी इमेज के साथ। तो इमेज को रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस अपलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो यहाँ से मैं, एक फ्री साइट है पिक्सल्स, जहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। और पिक्सल्स पे हमारी साइट का नाम है, सॉरी क्या चाहिए हमें, बोट बोट लेक्सन इंडिया। यहाँ पे कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, इंडियन बोट बोट इलेक्शन, या डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड डाल के। कैसे, गूगल से आप फ्री इमेज लोगे, सर्च करिए, इमेज पे क्लिक करिए, टूल्स पे क्लिक करिए, और कॉपीराइट क्लिक करिए, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, कॉमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, ये वो लाइसेंस है जिस लाइसेंसेबल, इसका मतलब क्या है, ये फ्री में यूज कर सकते हैं। अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कॉमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, ये लाइसेंसेबल, आई थिंक ये पेड है, सारी पेड आ गई, शटरवर्क्स और वो आ गया ना, क्रिएटिव कॉमन्स ये रही। तो ये फ्री है, इसमें से जो भी मैं यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, इट्स टोटली फ्री, है ना। इसमें किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। एक ये तरीका है ढूंढने का, है ना। तो ये मुझे बोट वाला ये सही समझ आ रहा है, सेव। और यहाँ पे जब भी आप SEO करते हो तो जो कीवर्ड है जिसपे आपको रैंक करना है, तो जो भी कीवर्ड हमने डिसाइड किया होम पेज के लिए, हमारा कीवर्ड है इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन इंक, एक मिनट, बोट इंक, इमेज को डिस्क्रिप्टिव रखो, इंक इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन इन इंडिया, तो इस तरह का रखो थोड़ा सा, मतलब कीवर्ड से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, डेस्कटॉप, वैसे तो कीवर्ड आना चाहिए लेकिन मैंने कीवर्ड का ज़्यादा ध्यान इस इमेज में नहीं दिया है। इलेक्शन वर्ड आ गया है और ये रहा। तो आप बस करते जाएंगे अपडेट, जैसे ही आप एक सेक्शन रेडी हुआ, अपडेट अपडेट करके जब इस पेज को आप देखेंगे तो आपका फाइनली पब्लिक के लिए भी चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना कितना आसान है। ये रहा, हाई IAM हटा देंगे हम, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा ये लोगो बड़ा है, तो लोगो वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और लोगो के लिए हमारा लोगो ये रहा ऑलरेडी, इसको हम सेव इमेज एज, एंड इसका नाम रख देते हैं पॉलिटिक्स इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी एंड लोगो। कीवर्ड वाला पार्ट आज मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, बस पेज कैसे बनाएंगे, आपको बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो कैसे फास्ट बनाएंगे, तो मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ अभी। कभी कीवर्ड रिसर्च और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में फिर बात करेंगे हम। और पेज कहाँ गया हमारा, ये रहा, कस्टमाइजर पे आए हम, हेडर पे क्लिक किया, चेंज लोगो पे क्लिक किया, एंड चेंज, यहाँ से हमने अपलोड किया, अपलोड करके इसको चेंज कर दिया। इस तरीके से ऑलरेडी पड़ा हुआ है वैसे, ये रहा, तो दो डालने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, 44 साइज भी सही बराबर ही है। तो इसको यूज करके आप सिलेक्ट और ओके क्या हो रहा है, पूरा लोड नहीं हुआ, स्किप क्रॉपिंग, और आ गया। इसमें थोड़ा सा फीचर है कि आप लोगो का साइज कम और ज्यादा कर सकते हो, लोगो साइज को आप कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, अपडेट हो गया।
और यहाँ पे आपको जो भी टाइटल रखना है तो जो पहले टाइटल रखा था वही रख सकते हैं। ये देखिए, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म इन इंडिया, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म इन इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म इन इन इंडिया, ये टाइटल पॉलिटिक्स अपडेट। इस तरीके से आपका लुक एंड फील आप देखेंगे, धीरे धीरे आप पेजेस चेंज करते जाइए। हाई आईएम है, इसको चेंज करना है, दोबारा से यहाँ आइए, हाई आईएम को हटा देते हैं एंड रिमूव, है ना। तो जो भी एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन से ऊपर कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे सीधा प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्लिक करिए, एंटर मारिए, यहाँ पे बीच में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कस्टमर के मन की बात कह सकते हो, क्योंकि कस्टमर के मन की बात का क्या है, जैसे वो सुनना चाहता है, वो क्या सुनना चाहता है। तो हमने रिसर्च किया तो उसमें हमें कुछ चीज़ें निकल के आई थी, हम वो रख सकते हैं। और उसके नीचे भी आप कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास है अवेलेबल, तो हम वो यूज़ करेंगे अपडेट। अपडेट एंड इसी के साथ आपका पेज ऑलमोस्ट रेडी, बस कंटेंट रिप्लेस करना है, ऐड करना है, जो कि बाद में करके मैं ऐड कर दूंगा। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, और